वो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती, जो इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनकी गलत नीतियों के कारण आज बहुजन समाज पीछे चला। आज क्या पड़ी है इस गोष्ठी की, बहुजन विचार मंच की, तो पहले ये पहला ही जो शब्द है मैं उसको क्लियर कर देता हूं कि ये बहुजन समाज है। बहुजन समाज पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुजन समाज किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बहुजन समाज सभी हमारे समाज के लोग हैं, जिसमें आपने सब लोग आए हैं, हमारे मुस्लिम समाज के भी भाई आए हैं, हमारे समाज के भी भाई आए हैं, हिंद समाज के भी भाई आए हैं, हमारे बरेलिया समाज के भी भाई आए हैं, यादव समाज के भी भाई आए हैं, पटेल समाज के भी भाई आए हैं, तो यही जो हमारा समाज है, यही हमारा बहुजन समाज है, इसी को बहुजन समाज कहते हैं। तो मैं सभी समाज को इसलिए आमंत्रित किया कि भाई आइए, बहुजन समाज पार्टी की आज स्थिति ठीक नहीं। हमारे यही साथियों ने जो बैठे हुए उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन 2012 में जैसे ही इलेक्शन हुआ तो फिर बहुजन समाज पार्टी 67 विधायक पर आ गई। तो हिंदुत्व चिंतन की बात हो रही है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद फिर 67 विधायक पर वापस आ गए। हमारे साथियों ने इस पर बताया कि भाई क्यों आई, हमने कल भी बोला था कि जो मानवर कांतिराम साहब ने इतनी लंबी दूरी तय करके साइकिल से चल करके इस बहुजन समाज को जगाने का काम किया, वो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती, जो इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनकी गलत नीतियों के कारण आज बहुजन समाज पीछे चला। आज बहुजन समाज पीछे चला गया, आज बहुजन समाज को कोई पूछने वाला भी नहीं। इसलिए हमने आज आपके आप लोगों को इधर बुलाने का काम किया, आपकी भावनाओं को जानने का काम किया, आपका जो विचार था उसको सुनने का भी मिलने का। साथियों, हमारे साथी जो बोले भाई चिंतन करना, जब आदमी लोग इकट्ठा होंगे, सभी समाज के भाई बैठेंगे, जब चिंतन करेंगे तब जाकर के कोई मंथन करके नई ऊर्जा पैदा होगी, नई ताकत मिलेगी, फिर नया जोश आएगा, फिर नए जोश के साथ लोग काम करेंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया कि भाई बहुजन समाज आज हमारा पीछे जा रहा है, इसको फिर से कैसे ले आया जाए, कांतिराम साहब के मिशन को फिर कैसे आगे बढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश में फिर कैसे सरकार बनाई जाए। आज कुछ चिंता का यही विषय है ना भाई, ये और कोई विषय है, यही ना विषय है कि भाई उत्तर प्रदेश में आपने राज किया, आपने उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके देखा कि बहुजन समाज के लोगों का क्या सम्मान था, बहुजन समाज के लोग कैसे चलते थे, आज वही बहुजन समाज के लोगों का कैसी दुर्दशा हो रही। सुना भी हमारे कार्यकर्ताओं के मुख से, आज उसी पर चिंतन करने के लिए हम इधर आप लोगों को बुलाए।